आप्यायन्तो ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मने निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो ॐ शान्तिः 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत ओंकार की उपासना इस प्रकरण के ऊपर विचार कर रहे हैं। ओंकार है परमात्मा की उपासना, प्रतीक स्थानीय है, जैसे शालिग्राम इत्यादि होते हैं, उसी ओंकार में गुण का कथन किया जा रहा है। गुण विधि है, गुण उपासना में गुण का चिंतन करना होता है। और असत्तमत्व गुण है प्रथम गुण, उसके बाद है आप्ति गुण, सर्व काम प्रापकत्व गुण। पंच मंत्र में बागेव ऋक् प्राण साम, ऋक् से बाघ को लिया और साम से प्राण को लिया, और उद्गीत से उद्गीत का अवयव ओंकार है। इसमें कुछ बाकी था, हाँ। इदानीम ओंकारस्य वाक् प्राण द्वारा सर्व काम संबंधे हेत्वंतरम तद्वा तद्वा एतत् इति मिथुनम निर्दिश्यते। तद्वि एत जो मंत्र है यहाँ पर निर्देश करना है मिथुन का, वाक् और प्राण जो ऋग और साम का हेतु है। किम तत्, वो मिथुन कौन है, क्योंकि तत् एतत् से तो ओंकार का भी परामर्श हो सकता है। इस अभिप्राय से पूछा कि किम तत् मिथुनम,
वो मिथुन कौन है? जोड़े को बोलते मिथुन, मित धातु से उनन प्रत्यय करो तो शब्द होता है मिथुना, जोड़े। तो ऐसी जिज्ञासा होने पर किम तद मिथुनम से इति आह यद वाक्च प्राणश्च, बाघ और प्राण है यही मिथुन यहाँ पर, जो रीग और शाम का कारण रूप से कहा गया ये कहते हैं। सर्व ऋग साम कारण भूतो मिथुनम, सर्व ऋग का हेतु है बाघ और सर्व शाम का कारण भूत हो गया प्राण, ये जोड़े हो गए मिथुनम। मिथुन से इसी को लेना है, रीग और शाम का कारण रूप बाघ और प्राण। वही शब्द आया तद वही एतत्, वही शब्द प्रसिद्ध अर्थ में है ये, सर्वत्र प्रसिद्ध नहीं है, यहीं पर प्रसिद्ध है। उपनिषद में बाघ और प्राण को मिथुन कहा जाता है प्रसंग के अनुसार। टीका में दिया वही शब्दो मिथुन प्रसिद्ध्यर्थ। बाघश्च प्राणश्च इति यद उभयम उपलभ्यते, जो बाघ और प्राण है ये दोनों उभय हो गए, जोड़े हो गए, दो है ये जो दिखा जाता है शास्त्र में यही है यहाँ पर मिथुन। तदेतत् मिथुनम, ऐसे ही यहाँ पर विग्रह ये योजना कर लेनी चाहिए। बाघ और प्राण जो उभय है शास्त्र में दिखते हैं उसी को यहाँ पर तत् एतत् मिथुनम इस शब्द से कहा जाता है। इति योजनाम अंगीकृत्य, ऐसी पौधों की योजना स्वीकार करके वाक्यार्थम आह, भाई मिथुन शब्द का तो अर्थ बता दिया, पद का अर्थ, पदार्थ पूर्वक वाक्यर्थ का ज्ञान होता है, वाक्यर्थ ज्ञान है पदार्थ ज्ञानम कारणम, वाक्यर्थ बोध बाद में होता है, पदार्थ बाद पहले होता है, पदार्थ से वाक्यर्थ भिन्न माना जाता है मीमांसा में, पद का अर्थ भिन्न होता है और वाक्य का अर्थ भिन्न होता है, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं मिथुन शब्द का अर्थ हो गया बाघ और प्राण, और वाक्य जो है इस वाक्य का अर्थ क्या है ये बताते हैं। देखो बे ऋग च साम च भाष्य में इति ऋग साम कारण भूतो ऋग साम शब्दोक्तो इत्यर्थ, यहाँ पर लेना है ऋग च साम जो कह दिया तो यहाँ पर जो है ना ऋग साम कारण भूतो ऋग साम शब्द उक्तो, ऋग शब्द के द्वारा ऋग का कारण को कहा गया है ना ये कह रहे, और साम शब्द के द्वारा साम के कारण को कहा गया, साम का कारण कौन हो गया प्राण है कि नहीं, और ऋग शब्द से किसको कहा गया ऋग का कारण वो कौन है बाघ, ठीक है ना, पंक्ति ठीक ठीक से देख लो। ऋग साम शब्दोक्तो मतलब ऋग साम शब्द शब्दाभ्याम ऐसा विग्रह करो, तृतीय तत्पुरुष करना है, ऋग साम शब्दाभ्याम उक्तो इति ऋग साम शब्द उक्तो, तो ऋग और साम शब्द के द्वारा कहे गए अर्थ क्या अर्थ निकला, ऋग साम कारण भूतो ऐसा लगाना, ऋग से ऋग का कारण को कहा गया, शाम से शाम का कारण को कहा गया, ये तात्पर्य। थोड़ी टीका रहेगी इसके ऊपर, बाघ प्राणयो हो ऋग शाम कारणत्तम है, देखो भाई बाघ में ऋग का कारणत्व है क्योंकि ऋचा मंत्रों का कारण बाघ है, और प्राण में क्या आया शाम का कारण तो आ गया ये है, इसको उत्तर वाक्य न स्पष्ट है, उत्तर वाक्य के द्वारा स्पष्ट है, यहाँ पर न नहीं चाहिए,
ये जो कोष्टक में लिखा है ना उत्तर वाक्येण, ण की कोई आवश्यकता नहीं, केवल इतना करो उत्तर वाक्येण। अच्छा अब कहते हैं जो है यहां पर दो को अलग अलग जोड़े मान लो, वाक और प्राण को अलग जोड़े मानो और रेक और शाम को अलग जोड़े मान लो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये शंका उठा रहा है। मिथुन शब्द से वाक और प्राण को लिया ना, पूर्व पक्षी कह रहा है कि दोनों अलग अलग जोड़े हैं, वाक और प्राण ये अलग जोड़े इधर और रेक और जो है शाम अलग जोड़े है, ये ऐसा मान लो। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी कहता है यथा वाक प्राणो मिथुनम, देखो जी वाक और प्राण है ये अलग जोड़े हो गए है ना, एवं इसी प्रकार से ऋक सामे च स्वातंत्र मिथुनम, ऋग और साम जो अलग मिथुन है ये स्वतंत्र रूप से, ठीक है ना, अलग अलग जोड़े है ये, एक जोड़ी नहीं है। ये कहते हैं स्वतंत्र मिथुनम ऋग और साम है प्रथमावधि वचन नपुंसक है, वाक प्राण हो गया पुलिंग शब्द में और ऋग साम हो गया नपुंसक, फलम फले फलाने। तो मिथुनम क्यों ऐसा कह रहे हो, अरे भाई शब्द तो समान ही है, निर्देश सामान्या, निर्देश बोलते हैं उच्चारण को, निर्देश शब्द का अर्थ होता है उच्चारण, निरंतर उच्चारण, जैसे आपके लोग पढ़ते हैं ना तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्व से, वहां पर निर्दिष्ट शब्द है कि नहीं, अब निर्दिष्ट का अर्थ क्या है, क्या है बोलो, निर्देश करना, निर्दिष्ट का अर्थ निर्देश करना, ऐसा नहीं को हिंदी में बोल दिया, निरपूर्वक दिश धातु का अर्थ होता है निरंतर उच्चारण, इसको बोलते हैं निर्दिष्ट है ना, व्यवधान रहित होकर के उच्चारण, इसको बोलते हैं निर्दिष्ट। निरपूर्वक दिश धातु का अर्थ होता है निरंतरम उच्चारणम, ये होता है ना ठीक। इसी भाई यहाँ पर भी निर्दिष्ट में जो धातु है ना वही धातु यहाँ पर भी निरुपसर्ग दिश धातु, तो हो जाएगा निर्देश मतलब निरंतर उच्चारण, तब उच्चारण तो समान है, इधर वाक प्राण भी कह दिया और इधर जो है ऋक् साम भी कह दिया, उच्चारण तो समान दोनों है, ये दो है ये भी दो ही है। इस अभिप्राय से कह रहे इति आशंक्य, बोलते हैं ऐसा नहीं है, न तो स्वतंत्रम ऋक् साम च मिथुनम, ऋग और साम जो है ये अलग मिथुन नहीं है, है ना, हाँ वाक और प्राण को ही यहाँ पर कहा गया ऋक् साम से, ऋक् का अर्थ हो गया ऋक् का हेतु वाक, अरे शाम का अर्थ हो गया शाम का हेतु प्राण, ये अलग अलग जोड़े नहीं है। बोलते हैं कि मानने पर क्या आपत्ति है, मान लो। टीकाकार लिखते हैं विपक्षे दोषम आह, विपक्ष का अर्थ क्या होगा, इस बात को न मानने पर, तुम्हारी बात यदि मानी जाए तो है ना, वाक और प्राण अलग जोड़े हो गए और ऋग और साम अलग जोड़े हो गए, ये हो गया विपक्ष का अर्थ, मतलब दोनों को अलग अलग जोड़े मतलब स्वतंत्र जोड़े मानने पर, ये है विपक्ष। तो दोषम आह, दोष क्या निकलेगा, देखो लिखते अन्यथा ही वाक च प्राणश्च इति एकम मिथुनम, वाक और प्राण हो गया एक मिथुन हो गया, ठीक है ना, और ऋग साम च अपर मिथुनम, ऋग और साम दूसरा अपर का अर्थ भिन्न, अपरम मिथुनम भिन्नम मिथुनम, इति कितना हो गए मिथुन, दो हो गए, दो जोड़े है ये, इति द्वे मिथुने स्याताम नपुंसकलिंग,
बोले दो मिथुन हो जाएंगे, मिथुन मिथुने मिथुनानी दो जोड़े हो जाएंगे, श्याताम हो जाए तो हो जाए तो हो जाए, क्या आपत्ति होने दो। तो टीकाकर लिखते हैं इष्टम एवं मिथुनोदयम, भाई दोनों अलग अलग मिथुन थे, इष्ट ही मानना चाहिए, मतलब कोई दोष नहीं, इष्टम का अर्थ दोष रहित ही है, इष्ट ही है। यदि चेत ना ऐसा नहीं, आगे पीछे सब देखना पड़ता है। आगे पीछे जैसे सुनने वाले लग बैस असदेव समय दमग्रासी हो गया, बस सर्वम शून्यम सम, और आगे जो कहा गया सदैव समय दमग्रासित, और असतः कुत सत जाए तो इसको भी नहीं लेते हैं वो लोग, है कि नहीं। उपक्रम उपसंगर आदि को सब देखना पड़ता है। आगे श्रुति बोलेगी कि नहीं, देखो अगले मंत्र में, अगले मंत्र में तो देखो तत् एतत् मिथुनम, देखो एक वचन कहा कि नहीं, है कि नहीं। अगले मंत्र में कहा तद एतत् मिथुनम, देखो एक वचन है, ठीक है ना। और दो यदि मिथुन मानेंगे तो दो दो वचन होना चाहिए, है कि नहीं। हाँ द्वे कयोर द्विवचन है, एक वचन है, द्विवचन होना चाहिए, लेकिन आगे तो मिथुनम ऐसा कहा गया। ये बात कहते हैं तथा च, भाष्य लिखते हैं तथा च तदेतत मिथुनम इति एक वचन निर्देश, एक वचन का निर्देश किया गया उच्चारण, एक वचन से निर्देश, एक वचन का निर्देश किया गया मिथुनम ऐसा शब्द से। इसलिए ये जो निर्देश कहा गया अनुपन्न ये तो अप्रामाणिक हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। अच्छा देखो आप कहते हैं, आप इतना भी हमको ऐसा ना समझो, इतना तो हम पढ़े हैं व्याकरण, व्याकरण हम पढ़े हैं ना, तब तो कह रहे हैं पूर्व पक्षी कह रहा है, कभी कभी जो है ना एक वचन भी हो जाता है, जाति में एक वचन हो जाता है, ये कह रहे है ना, जात्याख्याम एकस्मिन बहुवचनम अन्यतर श्याम, एक सूत्र है सिद्धांत कुंद में आएगा जो लोग पढ़ेंगे। तो जाति में, जाति में जो है ना बहुवचन, ये क्या बोलते हैं, विकल्प से एक वचन हो जाता है, विकल्प से, है ना। जैसे मान लो ब्राह्मणाः पूज्याः, देखो बहुवचन हो गया, और कभी एक वचन भी हो जाता है ब्राह्मणाः पूज्याः, यहाँ पर जाते हैं ना ब्राह्मणत्व, इसलिए ब्राह्मणाः पूज्य भी हो जाएगा एक वचन, और ब्राह्मणाः पूज्याः बहुवचन भी हो जाता है। इसी प्रकार से दो मिथुन होने पर मिथुनत्व जाति तय की है ना, है ना, यदि जाति की विवक्षा करेंगे तो एक वचन हो जाएगा, ये कह रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है। देखो ननो मिथुनयोर अनुगतम मिथुनत्तम आदाय, देखो दो मिथुन है ना, बाघ और प्राण और ऋग और साम, दोनों में मिथुनत्व एक होगा कि नहीं, ये सभी ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व अनुगत है, जाति है ना, इसी प्रकार दो मिथुन है ना, इसलिए मिथुनत्व अनुगत हो जाएगा जाति होने से, मिथुनय हो मतलब दो मिथुनों में अनुगतम किम मिथुनत्तम, मिथुनत्व जाति है, उस मिथुनत्तम मतलब जाति को लेकर के आदाय एक वचनम, एक वचनम उपपश्यते उपपन्न हो जाएगा, कोई दोष नहीं है। चेत ये हो गया पूर्व पक्ष, ना ऐसी बात नहीं है, उत्तर दिया गया तस्मात् तस्मा ऋक् सामयोर सामयन्योर वाक् प्राणयोर एव मिथुनत्तम, अरे भाई यही है, ऋक् साम कोई अलग नहीं है, ऋक् साम से यहाँ पर ऋक् का हेतु योनि, और शाम से शाम का योनि हेतु को लेना चाहिए। तस्मात् ऋक् सामयन्योर वाक् प्राणयोर एव मिथुनत्तम, यही मिथुन है यहाँ पर,
अर्थात एक ही मिथुन है, अलग अलग मिथुन नहीं है। ये बोलते हैं भाई टीकाकार ने लिख दिया स्पष्ट, उपक्रमाभंगात न स्वतंत्र मिथुना द्वयम अस्ते। पाठ देखो नारायण, उपक्रम भंग, उपक्रम का भंग हो जाएगा ना, पहले तो है तो जो है वाक्च क्या कहा, बाघे बिक प्राण साम ऐसे बोल दिया कि नहीं? क्योंकि रिक को तो बाघ बोल दिया, साम को तो प्राण ही बोल दिया, अब इधर बोलेगे मिथुन से दोनों अलग अलग है, ये नहीं होगा, एक ही मिथुन। आगे आगे भी श्रुति बोलेगी तदेतत् मिथुनम, एक वचन ही प्रयोग किया है। टीका में उपक्रम भंगात, उपक्रम का भंग भी हो जाएगा, उपसंहार का ही भंग हो जाएगा, है ना, दोनों ले लीजिए। न स्वतंत्र मिथुन द्वयम, स्वतंत्रा आ नहीं चाहिए, आ जो है ना अधिक चप गया है, है ना। न स्वतंत्र मिथुन द्वयम अस्ते, दोनों स्वतंत्र मिथुन नहीं है। ठीक है प्रेमल, आपकी नई पुस्तक में क्या है, स्वतंत्र है कि स्वतंत्रा है? स्वतंत्र है, सुधारे होंगे। ओम आगे विचार किया जाए। अब कहते हैं नारायण भवत, ये तो विचार हो गया, और जिसके लिए ये चल रहा है मंत्र, किसके लिए चल रहा है, गुण का विधान, गुण का यहाँ पर विधान किया जा रहा है ओमकार में। भवतो बाघ प्राणाख्यम ऋक् सामात्मक बाघ प्राण रूपम, ठीक है हो जाए, भवत मतलब हो जाए, बाघ प्राणाख्यम ऋक् सामात्मक बाघ प्राण रूप, ये देखो बाघ और प्राण हो गया शब्द, बाघ और प्राण क्या है देखो, ऋग और साम का स्वरूप हो गया, है कि नहीं, ऋक् सामात्मक बाघ प्राण रूपम, ऋक् सामात्मक बाघ प्राण कोई लेना यहाँ पर, मतलब अलग अलग जुड़े नहीं है। ओमकार मिथुनयो हो संसर्गे किम फलति, भाई ये तो कहना है ना, क्योंकि उद्गीत उपासना है और उद्गीत हो गया ओमकार, इसलिए ओमकार मिथुनयो हो संसर्गे, षष्ठी का द्विवचन अथवा सप्तमी का द्विवचन भी हो सकता है, ओमकार और मिथुन में, ओमकार तो उद्गीत का अवयव हो गया और मिथुन हो गया बाघ और प्राण हो गया, इसलिए दोनों में जो संबंध है संसर्ग है ना, कौन सा संसर्ग है यहाँ पर, संसर्गे संसर्ग होने पर संसर्ग भी बताएंगे और फल भी बताएंगे, किम फलति ये कहा जा रहा, किम फलति इत्याह, मंत्र देखा जाए पहले, एवं तत् एतन् मिथुनम् ओम एतेत् ओम एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते यदा वै मिथुनो समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामन, आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम। तदेतत् तत् कहने से वही बाघ प्राणात्मक जो है मिथुन, तदेतत् वही मिथुन ही है, उसका जो है संबंध है, तदेतत् मिथुनम बाघ प्राणात्मक जो मिथुन है उसका यहाँ पर संबंध होता है, ये बोलते हैं। कहाँ पर संबंध होता है, मतलब है उद्गीत का अवयव ओमकार में, ओम इति एतस्मिन् अक्षरे, ओम ऐसा जो अक्षर है शब्दात्मक, इसलिए अक्षर बोल दिया, अक्षर मतलब शब्द में जो उद्गीत का अवयव है उस अक्षर में संसृज्यते संबंध होता है।
कैसे संबंध हो गया? क्योंकि ओमकार बाघ रूप है, वो है ना, ओमकार हो गया बांगमय है, और प्राण से संपाद्य होता है ओमकार, इसलिए संबंध हो गया, है ना। ओमकार में बाघ और प्राण का संबंध होता है, ऐसा है। बांगमयत्तम और प्राण निष्पाद्यत्तम, यही संबंध होगा। टीकाकर ये भगवान भाष्यकार कहेंगे, है ना, बांगमय वाणी का विकार होता है ओमकार शब्द तो है, और प्राण से संपादित होता है, इसलिए संबंध बन जाएगा। बाघ का संबंध होगा ओमकार में बांगमयत्वम, है ना, और प्राण का हो जाएगा प्राण निष्पाद्यत्वम, यही संबंध हो गया ओमकार अक्षर में मिथुन का। ये कर ये तस्मिन अक्षरे संसृज्यते, संबंधित होता है, सम उपसर्ग सृज धातु संबंध अर्थ में। इसमें जो है दृष्टांत है, जैसे मिथुना अभिष्ट फल का प्रापक होता है, परस्पर में होते हैं, इसमें दृष्टांत दिया जा रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाता है, जदा वही मिथुनो समागच्छत, स्त्री और पुरुष जो है संबंधित होते हैं, फिर अभिष्ट फल को प्राप्त करते हैं, ये बोलते हैं आपयतो वही तौ दोनों अन्योन्यस्य कामम, अन्योन्य परस्पर, परस्पर में जो काम है अभिष्ट फल है उसके प्रापक दोनों हो जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा, वाणी और प्राण का संबंध हो गया ओमकार में, है ना, तो इसलिए ओमकार में आपतृत्व अधर्म आएगा। इस गुण से चिंतन जो करेगा उसको ऐसे फल प्राप्त हो, प्रापक प्रापक हो जाएगा, यजमान के लिए वो प्राप्त करा देगा वो उपासक, है ना, इसलिए प्रापितृत्व आ जाएगा। क्योंकि इस गुण से वो चिंतन किया है, इसलिए बोलते हैं देखो नारा। एवं तदेतद एवं लक्षणम भाष्य में मिथुनम ओम इति एतस्मिन् अक्षरे संसृज्यते, एवं लक्षणम बोल दिया, एवं लक्षणम यस्य मिथुनस्य, ऐसा स्वरूप वाला जो मिथुन है, बाघ और प्राण रूपी मिथुन है, इसका संबंध होता है ओमकार के साथ संबंध होता है। एवं भाष्य है, एवं कह दिया ना, सर्व कामाप्ति गुण विशिष्ट मिथुनम, यही लेना एवं से, सभी जो फल होते हैं सर्व काम, उसकी जो प्राप्ति सर्व कामाप्ति गुणा, उस गुण से विशिष्ट होता है मिथुनम, सर्व कामाप्ति गुणेन विशिष्टम, तृतीय तत्पुरुष कर लेना है, सर्व कामाप्ति गुण से विशिष्ट हो गया मिथुन हो गया। ऐसे जो मिथुन है उसका संबंध ओमकार में है, ओमकारे संसृष्टम विद्यते, ओमकारे संसृष्टम, ओमकारे संबंध ये विद्यमान होता है। विद्यते विद्य का प्राप्यते विद्रि लाभे है, यते ओमकारस्य सर्व कामाप्ति गुणवत्तम सिद्धम, क्योंकि उसका संबंध ओमकार के साथ है, इसलिए ओमकार में भी यही गुण आया, सर्व कामाप्ति गुणवत्तम, सभी फल को प्राप्त करना यही गुण है, ये सिद्ध हो जाता है ओमकार में। टीका है नारायण, कया पुनर्विधया, भाई किस विधा से, विधा मतलब प्रकार का बोलते हैं, किस प्रकार से मिथुनान संसृष्टत्व अक्षर से सेत सति, छोड़ गया नहीं हुआ क्या ओमकार, हाँ देखा, ओमकार मिथुन जो हो यही कह रहे, हाँ वही ओमकार मिथुन जो हो संसर्ग किम फलती, बराबर ना,
ओमकार और इधर कौन मिथुन, दोनों में संबंध होता है। संबंध होने पर संसर्गे, संबंध होने पर किम फल होती, क्या फल आया, ओमकार में ही फल आ जाएगा क्योंकि उसमें तो ही सर्व कामाप्ति गुण, इसलिए ओमकार में भी यही फल आ जाएगा, गुण आ जाएगा, यही बोल रहे। अच्छा भाई आगे देखो, कया पुनर्विधया, मतलब किस प्रकार से, विधा मतलब प्रकार, किस प्रकार से मिथुने न संश्रिष्टम संश्रिष्टत्वम अक्षरस्य सेत्स्यति। अक्षर हो गया ओमकार, ओमकार में संबंध, संश्रिष्टत्वम का अर्थ हो गया संबंध, ठीक है ना। बोले क्या संबंध सिद्ध होगा, सेत्स्यति है ना, सिद्ध सिद्ध हो जाना, यही अर्थ में होता है तो सिद्ध होगा अक्षर ओमकार के साथ, मिथुन के साथ, मिथुन के द्वारा, मिथुन के साथ, मिथुन का मतलब बाघ और प्राण का ओमकार के साथ संबंध क्या सिद्ध होगा, ये बोलते हैं। अत्र आह बांगमयत्तम ओमकारस्य, भाष्य में देखो ओमकार कैसा है, बांगमय हो गया, वाणी का विकार तो ओमकार, वेदांत में आत्मा से अतिरिक्त कोई नित्य तो है ही नहीं, हाँ ओमकार भी शब्द स्वरूप ही है। बांगमयत्तम ओमकार से मतलब ओमकार बांगमय है, और जो है ओमकार कैसा है, प्राण निष्पाद्यत्तम, प्राण हो तो तब तो ओमकार बोलेगा, नहीं तो ओमकार शब्द भी कैसे बोलेगा प्राण निकल गया तो कुछ नहीं होता है, जो भी करना है पहले से कर लो, हाँ ऐसा नहीं कि जो है घर में आग लगेगी तब जो कुआं खोदोगे, है ना ना कूप खननम जगतम प्रदीप्ते बने नागरी ऐसा नहीं कि वृद्धावस्था आ जाएगी तब शुरू करेंगे भजन, ऐसा नहीं है। प्राण निष्पादितम ओंकारस्य, प्राण से संपादित होता है ओंकार, इतना तो हो गया है ना, उसका बांग और प्राण का संबंध हो जाए, बांग और वाणी, ये बाघ और प्राण हो गया कारण है कि नहीं, मिथुन हो गया, ऐसे मिथुन के साथ ओंकारस्य संश्रिष्टत्वम, मकार चाहिए, संश्रिष्ट संश्रिष्टत्वम मकार आधा करो, और यहाँ पर पूर्ण विराम करना है, कहाँ पर भाई, संश्रिष्टत्वम, यहाँ पर पूर्ण विराम चाहिए क्योंकि एक वाक्य पूरा हो जाता है, आगे मिथुनस्य ये अलग वाक्य होता है ना, हाँ पूर्ण विराम करो तो स्पष्ट होगा। मिथुने न मतलब बागर प्राण से संशिष्टत्वम मतलब संबंध है ओमकार के साथ, ओमकार से संशिष्टत्वम के न सह मिथुन न सह, सह का अध्ययन कर लो, ठीक है ना, क्या संबंध हुआ, यही संबंध है, हाँ दो हो गया, बांगमयत्व और प्राण निष्पादत्व, यही संबंध हो गया, ठीक है ना, ऐसा अन्वय करके रखिए मिथुनस्य थोड़ी टीका है, यत्तो सर्व कामाप्ति गुण विशिष्ट मिथुनम इत्युक्तम तत् उपपादयते, मिथुन में यही है ना गुण, सर्व कामाप्ति गुण ये हो गया मिथुन में, इसलिए मिथुन क्या हुआ, सर्व कामाप्ति गुण विशिष्टम, सर्व कामाप्ति गुणे न विशिष्टम ये होगा मिथुनम, ये बात कही गई, उसी को यहाँ पर कहते हैं उपपादयति मिथुनस्य। भाष्य देखो भाई, मिथुनस्य कामा कामा पैतृत्वम प्रसिद्धम, ये तो प्रसिद्ध है व्यवहार को दिखा रहे हैं, व्यवहारिक दृष्टांत को, मिथुनस्य मतलब जोड़े, जोड़े में द्वंद्व में कामा आपैतृत्वम, काम रूपी जो फल है, फल प्रापकत्वम, कामाप्ति क्या लिखा है, कामा कामा पैतृत्वम मतलब
हाँ बोले काम को जो प्राप्त कराने वाला होता है उसको बोलते हैं कामा आपयत्री, है ना। आपयति मतलब प्रापयति, प्राप्त कराने वाले को बोलते हैं, है ना। वहां पर त्वम क्या बोलते हैं, त्व करो प्रत्यय तो हो जाएगा कामयित्रित्वम, मतलब फल प्रापकत्वम। ये कहाँ पर प्रसिद्ध है व्यवहार में, मिथुन में, वो तो जानते हैं गृहस्थ में, ये तो प्रसिद्ध है। प्रसिद्धम इति है दृष्टांत उच्यते, इसको यहाँ पर दृष्टांत बता रहा है। दृष्टांत उच्यते, टीका थोड़ी सी लो, दृष्टांत के ऊपर कह रहे हैं। तादृक अर्थो यथोक्ता अक्षरस्य सर्व कामयित्रित्वे दृष्टांतः सन् उच्यते अनंतर वाक्येन इत्यर्थ। बोलते हैं कि तादृक अर्थो तादृशी अयम इति तादृक था, तादृक अर्थः, ये तत्पुरुष समास हो गया भाई, है ना। हाँ तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। चतुर्थ तादृश, सकारांत तादृश का चतुर्थी क्या बनेगा, तादृशे, तादृशे अयम इति क्या शब्द बन गया, तादृक अर्थ ऐसा होता है ना। हाँ मतलब उसके लिए, किसके लिए, वही फल को प्राप्त कराना है, सर्व काम आपित्रित्व है, उसके अर्थ में दृष्टांत उधर अन्न है। तादृक अर्थ कह दृष्टांत उधर अन्न करो, तादृक अर्थ कह दृष्टांत यथोक्त अक्षर से, यथोक्त अक्षर हो गया ओंकार, ओंकार में भी यही धर्म आएगा। क्या धर्म, सर्व काम आपित्रत्वे दृष्टांत सन, दृष्टांत जो है व्यवहार में है वो, उसको उच्यते कहा जाता है अनंतर वाक्येन। अनंतर वाक्य वही है जदा वे मिथुनो समागच्छत, ये अनंतर वाक्य है दृष्टांतम एव, इसी दृष्टांत को जो सर्व काम आपित्रित्व आता है ओंकार में उसके विषय में दृष्टांत बता जा रहा है। विवृणते दृष्टांत का स्पष्टीकरण करते हैं, यथा जैसे भाष्य में देखे लोके, मंत्र में तो हो गया यदा वै मिथुन, इसका देखो यथा लोके लोक में व्यवहार में मिथुनो मिथुना अवयवो स्त्रीपुंसो, मिथुन से यहाँ पर मिथुन का अवयव लेना है, स्त्रीपुंसो जदा समागच्छतो, जो संबंधित होते हैं ग्राम्य धर्मत्रया, जो ग्राह्यस्थ धर्म है वो भी शास्त्रीय है, वैसे ही लेना है। शास्त्रीय हो, ग्राम्य धर्म हो, ग्राह्यस्थ धर्म, ग्राह्यस्थ धर्मों को लेकर के संयोजेयताम संबंधित हो जाते हैं, तदा फल प्राप्त होता है। तदा आपयतः मतलब प्रापयतः अन्योन्यस्य इतरेतरस्य तो कामम, ये दोनों जो एक दूसरे को अभिष्ट फल को प्राप्त कराते हैं। टीका है, कहते हैं देखो मिथुन दयम नास्ते, मिथुन तो एक ही है ना, दो मिथुन तो है ही नहीं, हाँ एक ही मिथुन है, लेकिन आपने जो है दो वचन का प्रयोग कैसे किया, आप तो कुछ भी बोलते हैं ना, क्योंकि तदे तो मिथुनम में क्या वचन है, देख लो एक वचन है कि नहीं। आप दृष्टांत दे रहे हो जदा वे मिथुन, तो एक मिथुन है कि दो मिथुन है, मिथुन तो एक ही है एक जब है तो फिर द्विवचन का प्रयोग कैसे किया, मिथुन बोलते हैं जोड़े को, जोड़े तो एक ही होगा ना है कि नहीं, द्विवचन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यही लिखते हैं देखो, मिथुना द्वयम नास्ते, मिथुन तो एक ही है, इति उक्तत्वात्, ये तो आपने कह दिया, कथम मिथुनो इति, भाई द्विवचन का प्रयोग कैसे किया, मिथुनो भाष्य में है कि नहीं, ये पहले मंत्र में ले लो, मिथुनो कहा ना, जदा भाई मिथुनो, द्विवचन कहाँ से आ गया,
है ना। द्विवचनम इति द्विवचनम तत्र द्विवचन पर कैसे हुआ तत्र, भाष्यकार क्या लिखते हैं देखो, मिथुनों से क्या लेना है, मिथुन अवयव को लेना है। दृष्टांत में दिया जो मिथुन, मिथुन तो एक ही है लेकिन मिथुन के अवयव दो, समझ में ना, ऐसे है। इसलिए अवयव को मानेंगे तो द्विवचन हो जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए दो अवयव कौन कौन है, भाष्यकार लिख दिया स्त्री पुंस दृष्टांत में। समागच्छत, देखो समागच्छत जो है ना, तो यहाँ पर आत्मनिपद है कि परस्य पद है, समागच्छति समागच्छतः समागच्छन्ति होगा, लेकिन कहीं कहीं आत्मनिपद हो जाता है, लेकिन समगच्छते अग्नि पचे टीका माया। देखो यहाँ पर केवल सम उपसर्ग हो ना, तब तो आत्मनिपद है, केवल गम धातु हो तो परस्य पद गच्छति, और जो है सम उपसर्ग लगा देंगे तो सम गच्छते ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर केवल सम नहीं है, क्या क्या है, सम भी है और आंग उपसर्ग भी है, केवल सम होता तो आत्मनिपद हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर परस्य पद दिया, व्याकरण भी बड़ा है देखो, कहीं आत्मनिपद हो जाता है तो कहीं परस्य पद भी हो जाता है, एक उपसर्ग जोड़ दिया अधिक आंग तो परस्य पद हो गया। समागच्छतो ग्राम्य धर्म क्या है भाई, ठीक है मैं थोड़ी से ले लो, ग्राम्य धर्म तया तदाविद व्यापार, जो गृहस्थ का जो व्यापार है वही शब्द अवधारणे, यहाँ पर जो वही शब्द जो आया है जदा वही, ये जो वही शब्द है वही एव अर्थ में, जदा वही का अर्थ जदा एव, विवक्षितम द्राष्टांतिक, मैं दृष्टांत तो विवक्षित द्राष्टांतिक के लिए होता है, द्राष्टांतिक यही है ओंकार का, ये कहते हैं तथा स्वात्मा अनुप्रवेष्टेन मिथुनेन सर्व कामाप्ति गुणवत्तम ओंकारस्य सिद्धम इति अभिप्रायः, यही है दृष्टांत। तो ओंकार में अनुप्रविष्ट है ना मिथुन, ओंकार में संबंधित है कि नहीं, बाघ और किसका प्राण का, बाघ का बाघ है संबंध है कि नहीं, किस संबंध से, बाघ मयत्व संबंध से बाघ हो गया अनुप्रविष्ट, स्वात्मनि अनुप्रविष्ट स्वात्मा अनुप्रविष्ट है कि नहीं। अब प्राण संबंधित है ओंकार में है किससे भी, निष्पादत्व से, निष्पादत्व संबंध से, ये कह रहे स्वात्मा अनुप्रविष्ट न मिथुन है ना, उस मिथुन के साथ ओंकार का ये सिद्ध हुआ, सर्व कामाप्ति गुणवत्तम, सभी फल को प्राप्त कराना यही गुण हो गया ओंकार में, ये सिद्ध है इति अभिप्राय। आए दृष्टांत में क्या, वही है सर्व, मतलब यही है वही सर्व ही मानते, और क्या गृहस्थ में यही सब कुछ है, ये अभिप्राय यहाँ पर। दृष्टांत दाष्टांत में पूरी समानता नहीं ना होती है, अविष्ट फल सर्व यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं कि सब प्राप्त करेगा, ये अभिप्राय नहीं है, जिसको अविष्ट मानता है वो फल प्राप्त करा देगा, वो कौन कराएगा, उपासक कराएगा, वो फल किसको मिलेगा, फल यजमान को मिलेगा, यही बात आ रही है। जैसे दृष्टांत में है ना, हाँ एक दूसरे को प्राप्त कराते हैं, लेकिन दाष्टांत में ऐसा नहीं, दाष्टांत में ऐसा नहीं, यहाँ पर दाष्टांत में तो उपासक केवल फल प्राप्त करेगा, किसको, यजमान को, लेकिन फल ऐसा गुण कहाँ से आया, क्योंकि ओमकार का चिंतन इस प्रकार से किया था, क्योंकि मिथुन का संबंध किसके साथ है, ओमकार के साथ है कि नहीं, ऐसा गुण से वो चिंतन किया,
सर्व कामाप्ति गुण विशिष्ट कौन है? ओमकार है, ओमकार स्वरूप बन गया ना, इसीलिए उपासक में ये गुण आया, ऐसा तात्पर्य। जय लोग लिखते हैं, देखिए टीका है, एवं ओमकार आपते गुणा विशिष्टम है, देखो लिख दिया ना, ओमकार में यही गुण तो है, ओमकारम विशिष्ट है, किससे भाई, आपते गुण से विशिष्ट है, ओमकार हो गया प्रतीक, है ना, ये विधान हो गया, शिष्ट मतलब गुण का विधान करके उपदेश करके, ठीक है ना। तद उपासना फलम, ऐसे गुण विशिष्ट ओमकार है उसकी उपासना किया, उसका फल को बता रहे, फलम कथयति, ये देखो लिखते हैं यहाँ पर, तत् उपासकोपि उद्गाता, ये उपासक कौन है, उद्गान करने वाला है ना, शाम का जो उद्गान करने वाला है वही यहाँ पर उपासक है ना, हाँ, तद मतलब ओमकार, ओमकार उपासक सर्व आप्ति आप्ति गुण विशिष्ट ओमकार की उपासना जो किया है वो भी उद्गाता, तद्धर्मा भवति, तद्धर्मा मतलब सह धर्मो यस्य, सह तद्धर्मा, यहाँ से समझ के रखो भाई, है ना, धर्म शब्द पुल अकारांत होता है, केवल धर्म है ना, लेकिन उपासक तो एक ही है, यहाँ पर बहुवचन कैसे हो गया, तद्धर्मा, यहाँ पर एक ही वचन है, बहुवचन नहीं, नहीं तो आकार दिख रहा है ना, समझे ना, तो कोई बहुवचन ना समझे, है ना, तद्धर्म यहाँ पर तद्धर्म में प्रातिपदिक क्या होगा, अकारांत नहीं, प्रातिपदिक क्या होगा, धर्मन, क्या होगा, हाँ, केवल धर्म शब्द अकारांत होता है, केवल धर्म शब्द अकारांत होता है ना, धर्म धर्मौ धर्महा, केवल धर्म शब्द आ गया, लेकिन धर्म शब्द का यदि आप बहुवरी समास कर लोगे तो वहां पर अनिच प्रत्यय हो जाता है, हाँ ऐसा होता है, धर्मात अनिच केवलात, ये सूत्र है, धर्मात अनिच केवलात, मतलब बहुवरी समास हो और पूर्व में कोई पद हो, है कि नहीं, अंत में बहुवरी समास के अंत में क्या होगा, धर्म शब्द, जैसे तद्धर्म हुआ कि नहीं, सह धर्मो यस्य, ऐसा बहुवरी समास करना है, तो बहुवरी समास करने पर तद्धर्म हुआ, आगे अनिच प्रत्यय हो जाएगा, अनिच का अन रहेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा, तद्धर्मन, तद्धर्मन नकारांत हो गया, प्रथम एक वचन बनेगा तद्धर्मा, तद्धर्मा, तद्धर्माणो, तद्धर्माणः, ऐसा होता है, इसलिए यहाँ पर कहा तद्धर्मा कौन हो जाएगा, उस धर्म वाला उपासक हो जाएगा, उपासक में भी ऐसे ही धर्म आ जाता है ना, अभिष्ट फल को प्राप्त करा देता है जजमान को, आपयिता हवै कामानां भवति य एतदेवं विद्वान् अक्षरम् उद्गीतम् उपास्ते, देखो बोलते हैं कि यह एतदेव विद्वान, जो विद्वान मतलब यहाँ पर उपासक, आपते गुण विशिष्ट हो गया ओमकार, है ना, उस गुण से चिंतन किया है, ये कह रहे, यह एतदेव विद्वान अक्षरम उद्गीतम उपास्ते, ऐसे गुण विशिष्ट जो उद्गीत का अवयव ओमकार, उसकी जो उपासना करता है, वह सह, सह शब्द का अध्ययन कर लो, सह उपासक कैसा हो जाएगा, बोलते हैं हवै कामानम आपयिता भवति, काम का अर्थ अभिष्ट फल, यजमान जो अभिलषित, यजमान जो चाहता है, यजमान के लिए अभिष्ट फल का क्या हो जाए, आपयिता मतलब प्राप्त कराने वाला, ये अर्थ है, प्राप्त करेगा ऐसा नहीं, प्राप्त कराने वाला हो जाता है, प्रापक, आपयित का अर्थ प्रापक, भाष्य में आपयिता हवै कामानां, किसके लिए, यजमानस्य भवति, देखो लिख दे,
वासेघर जन्मान को जन्मान के लिए प्रापक हो जाता है। य एतद अक्षरम एवं आपते गुणवत्, आपते गुण वाला हो गया ओमकार जो उद्गित का अवयव है, उद्गितम का अर्थ है उद्गित का अवयव। उपास्ते तस्य एतत् यथोक्तम फलम इत्यर्थ, उसको अविष्ट फल जो बताया अविष्ट फल प्राप्त हो जाता है। तद्धर्म से ही लेना है, भूमिका में था ना तद्धर्म, ठीक है, अगर लिखते हैं तद्धर्म इति उपासकस्य आप्ति गुण विशिष्ट उक्ति, ऐसा लेना है। उपासक जो है, उपासक को है ना, उपासक यही चिंतन किया ना, जो है आप्ति गुण विशिष्ट, आप्ति गुण से विशिष्ट है ओंकार, इस प्रकार से वो चिंतन किया। आप्त इति वक्तव्ये कथम आपयिता, अरे ऐसे कहना चाहिए ना, अभी इतना जो है पुरुषार्थ करके उपासना किया है उपासक, फल तो उपासक को मिलना चाहिए ना, ये बोलता है, इसलिए आपयिता नहीं बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, आप्ता बोलना चाहिए। आप्ता का अर्थ प्राप्त करने वाला को कहेंगे आप्ता, ठीक है ना, धातु तो एक ही है। धातु तो एक ही, आपले लाभे, ये धातु होता है, धातु क्या है आपले, आपलिक्रा आप रहेगा, ठीक है ना, और त्रिश प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा, आपत्री, आपत्री का अर्थ क्या होगा, प्राप्त करने वाला, ठीक है ना, प्रथमा एक वचन आपता, आपता का अर्थ प्राप्त करने वाला, ऐसा कहना चाहिए था श्रुति को। और आपयिते का अर्थ क्या होगा, हाँ पहले आप धातु से णिच प्रत्यय करो, करने वाला अर्थ में आप ही धातु हो जाएगा, धातु है आप, नियंत करो तो बन जाएगा आप ही धातु, आप ही धातु को त्रिश कर देंगे तो बन जाएगा आपयित्री, ठीक है, आप ही को गुण होने पर आपे, आगे त्रिश को इट करो, है कि नहीं, सब सारी प्रक्रिया है ना, ए को अय करो तो बन जाएगा आपयित्री, प्रथम एक वचन है आपयिता मतलब प्रापक, प्रापक क्यों कहते हो आप, प्राप्त करने वाला कहना चाहिए, तो टीकाकार कह रहा आपता इति वक्तव्य, आपता ऐसा कहना चाहिए, कथम आपयिता इति उक्तम, ठीक है ना, तत्राह बोलते हैं देखो ये अपने को फल प्राप्त नहीं हो रहा है, जजमान को मिलता है, इसलिए कहा कामानम जजमानस्य भवत, और मंत्र में तो हवई, ये ह और बेई जो शब्द है निपात है, निपातो तू अवधारण था, एव अर्थ में अवश्य ही प्राप्त कराने वाला हो जाता है, इस गुण से यदि चिंतन करेगा उपासक तो, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा उद्गीतम जो कहा, अक्षरम उद्गीतम उपास्ते, उद्गीत से क्या लेना है अवयव, पहले भी सब बात आ गई, टीका का लिखते हैं उद्गीतम तद अवयव उत्तम, उद्गीत का अवयव कौन ओमकार, उद्गीत से उद्गीत भाग को नहीं लें शाम के भाग को, अपितु उद्गीत का जो अवयव है ओमकार। अच्छा भाई टीका में एक पंक्ति ले लीजिए, आपते गुणवत् ओमकार उपासना, ये देखो भाई ओमकार की उपासना चल रही है, और ओमकार में कौन सा गुण है, आपते गुणवत्, आपते गुण वाला, आपते गुण वाला जो ओमकार है, ऐसे ओमकार की उपासना करने से कथम उपासिता तद्गुण भवति, भाई उपासना करने वाला ऐसे गुण वाला कैसे हो जाएगा प्रापकत्व गुण वाला, तो क्योंकि इस प्रकार चिंतन किया है ना, जिस गुण से चिंतन किया है ऐसे गुण वाला उपासक भी हो जाता है, ये श्रुति बोलती है, श्रुति बोल रहे तो कोई संशय है ही नहीं, है ना, भाष्यकर भगवान श्रुति दिखाते हैं, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति श्रुते मुद्गल उपनिषद, ये मुद्गल उपनिषद की पंक्ति है भाई, है ना, हाँ तम यथा यथा उपासते, जिस जिस गुण से उपासना करता है उपासते, यहाँ पर छांदस प्रयोग, बहुवचन में उपासते बनता है और एक वचन में उपासते, तो मंत्र में क्या दिया अभी,
सप्तम जो मंत्र चल रहा है ना उसमें दिया उपास्ते, और यहाँ पर क्या दिया है उपासते। उपासते में जो बहुवचन है वो छांदस प्रयोग है। उपासते का अर्थ उपास्ते, मतलब जिस जिस गुण से उपासना करता है ना, तो तदेव भवती, ऐसे गुण वाला उपासक हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशव बाबर सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति।